प्रथम तहलका न्यूज। गुस्से की आग किसी परिवार को किस हद तक जलाकर खाक कर सकती है, इसकी जीती जागती डरा देने वाली तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई है, जहां एक जीजा ने अपने ही साले के बच्चों को आग के हवाले कर दिया और खुद भी आग की लपटों से बच नहीं पाया। दिल को दहला कर रख देने वाला ये मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां पटोदी के रामपुर मोड़ पर एक शख्स की ऐसी हैवानियत देखने को मिली। ये तस्वीरें उसी घटना को बयां कर रही है। रिंकू नाम का आरोपी जीजा मुंह ढककर एक मकान में घुसता है और फिर आग लगाकर बाहर निकलता हुआ नजर भी आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर ये जीजा घर में प्रवेश करता है और कुछ समय के बाद एक महिला घर से बाहर निकलकर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कुछ लोग भी भागते हुए दिखाई देंगे और अचानक गली में अफरा तफरी मच गई। आप सीसीटीवी की इन फुटेज में देख सकते हैं कि सबसे पहले रिंकू जलता हुआ बाहर आया और आस पड़ोस के लोगों ने आग बुझाई। उसके कपड़ों में आग लगी हुई थी, जिसको बुझाने के बाद वो वहां से फरार हो गया और उसके बाद पड़ोसियों ने घर में लगी आग को काबू किया, लेकिन तब तक दो बच्चे और एक युवक लपेटे में आ चुका था। सर, मैं इधर से आया तो यहाँ पर आके देखा तो इनके गेट पर आग लग रही थी पूरा घर में, तो एक आदमी बाहर निकला, वो इनकी लड़की की लड़की का दामाद है, रोहतक के भोर गांव बताते हैं जी, तो बाहर निकला, मैं जाना इन्हीं का बच्चा है, तो एक भाई अभिषेक यादव जी भाई साहब थे और एक हम थे, हम पड़ोसी, हमने उसकी आँच बुझाई पहले, फिर हम अंदर गए तो एक छोटी एक साल भर की बच्ची थी उसको लेकर आए, उसके बाद ये बुजुर्ग आदमी थे इसको बाहर लेकर आए, उसके बाद में एक और था इनके इन्हीं का लड़का तो उसको लेकर आए, उसके बाद हम पड़ोसी उसके ही पानी ले आओ तो उन्होंने हेल्प करी हमारी, हमने पानी यहाँ बुझाया। उसके करीबन कुछ बाद जब धुआं ख़त्म हुआ है, जब हमने बच्चा एक छोटा 3-4 साल का दिखाई दिया, उसको मैं ठाक लेकर आया, हाँ जी बिल्कुल जला हुआ था वो, और वो जो लड़का आँच लगाने वाला था जो वो यहाँ से भाग गई, कपड़े पड़े, हमने उसको मतलब बचाया भी है, तो उसने बचता हुआ भाग गया था, पीछे उसने यहाँ कोई हथियार लगा रखा दाव था क्या था। जानकारी के मुताबिक रोहतक जिला के बाहर गांव का रहने वाला रिंकू का अपनी पत्नी से तकरीबन 3 साल से आपसी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते रिंकू की पत्नी अपने मायके में रह रही थी। बीती दोपहर 2:30 बजे के आसपास रोहतक से चलकर रिंकू अपने ससुराल पहुंचा और पेट्रोल की बोतल लेकर घर में प्रवेश करता है, जहां पर घर में पेट्रोल छिड़क कर मासूम बच्चों को आग लगा देता है। खुद जिसने आग लगाई वो तो खुद ही इंजर्ड है, वह उसके अलावा 3 और इंजर्ड है, जिसमें 2 बच्चे हैं और 47 साल का आदमी है। क्या मामला था ये इनका जो है, कोई आपसी घरेलू? वो जो रिंकू है बोर गांव का, उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, उस बारे में कुछ कहा सुनी होके ये सारा मामला हुआ है, उसके बारे में भी जांच की जाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आग में झुलसे हुए लोगों और बच्चों को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए गुरुग्राम से रेफर कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और घटना की जांच पड़ताल भी कर रही है। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मनु मेहता की रिपोर्ट।